बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हम लोगों ने पढ़ा था कि रोग कैसे होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ कैसे रह सकता है, स्वस्थ शरीर क्या होता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो रोग होते हैं, स्वास्थ्य तो पढ़ लिया, स्वस्थ कैसे होते हैं, स्वस्थ के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक सामान्य बीमारी है, इसके बारे में आप सभी ने इसको सुना होगा, मलेरिया रोग के बारे में, कि जो मलेरिया का बीमारी होती है इसके लिए, इसके उन्मूलन के लिए, इसके निवारण के लिए तमाम केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर मलेरिया का उन्मूलन किया जाता है, समाप्त किया जाता है और इसके लिए सरकार के द्वारा भी तमाम उपाय किए जाते हैं। मलेरिया एक घातक बीमारी है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया एक महामारी के रूप में भी पहले रह चुकी है और अभी भी ध्यान ना दिया जाए तो मृत्यु हो जाती है। मलेरिया रोग में क्या होता है? मलेरिया जो रोग है इसके बारे में चार्ल्स एल्फोंसे लार्वेरान, चार्ल्स एल्फोंसे लावेरॉन इन वैज्ञानिक ने क्या किया, ये बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। तो चार्ल्स एल्फोंसे लावेरॉन ये सबसे पहले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। अब लेकिन फैलता कैसे है ये नहीं बता पाए, होता प्लाज्मोडियम के कारण है। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। प्रोटोजोआ मतलब जिसमें कि अमीबा वगैरह आते हैं, उसी संघ का जंतु प्लाज्मोडियम भी होता है, इसके द्वारा मलेरिया होता है। फिर इसके बाद रोनाल्ड रॉस ने 1894 में बताया कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो या मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, नर एनाफ्लीज मच्छर नहीं काट, नर एनाफ्लीज मच्छर के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं, वो स्किन को पंचर कर नहीं सकते, काट नहीं सकते, जिससे कि वो मनुष्य का खून चूस नहीं सकते, जिससे के द्वारा उनसे मलेरिया नहीं होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं इसके माउथ पार्ट्स पॉइंटेड होते हैं तो ये स्किन को पंचर कर देती है और इसी से ये रोग फैलता है, ये काट लेती है, इसके अंदर भी होता है। तो रोनाल्ड रॉस ने ये बताया कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है उसके स्टमक में, उसके आमाशय में ऊसिस्ट को देखा, उसके बारे में बताया। ऊसिस्ट वो आमाशय की गोल गोल रचनाएं होती हैं जिनमें कि प्लाज्मोडियम होता है। तो रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में देखा, उसके आमाशय में जो गोल गोल रचनाएं उभरी हुई हैं जिन्हें कि ऊसिस्ट कहते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम होता है, तो देखा कि इसके में है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे रिसर्च की, खोज की और बताया कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है।
और इसके लिए रोनाल्ड रोस को ही नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार दिया गया इस खोज के लिए। तो इस प्रकार से ये दो वैज्ञानिक, लॉवेरॉन ने बताया कि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है, और रोनाल्ड रोस ने बताया कि मच्छर के, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, और इसके लिए रोनाल्ड रोस को ही नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार से नवाजा गया। मादा, ये जो मलेरिया रोग है ये डबल होस्ट एनिमल है, डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषदी जंतु है। द्विपोषदी या डबल होस्ट एनिमल का मतलब होता है जिसका जीवन चक्र दो जीवों में पूरा होता है उसे डबल होस्ट एनिमल कहते हैं। द्विपोषदी जंतु या डबल होस्ट एनिमल, दो जीवों में इसका जीवन पूरा होता है, द डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषदी जंतु होता है। तो ये अब इसमें द्विपोषदी जंतु जिसका जीवन चक्र पूरा, लाइफ साइकिल दो जीवों में पूरी होती है, तो इसमें प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है, प्राथमिक होस्ट या पोषद, होस्ट को हिंदी में कहते हैं पोषद, प्राथमिक पोषद या प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट, द्वितीयक पोषद मादा एनाफ्रीज मच्छर होती है। तो जो प्लाज्मोडियम और वाइवेक्स होता है यह डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषदी जंतु है। द्विपोषदी जंतु का अर्थ होता है जिसका जीवन चक्र दो जीवों में पूरा होता है उसे हम डबल होस्ट एनिमल या द्विपोषदी जंतु कहते हैं, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्राथमिक होस्ट या पोषद मनुष्य है, और द्वितीयक पोषद सेकेंडरी होस्ट मादा एनाफिलीज मच्छर है या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। अब यहाँ पर ये तो होस्ट के बारे में हो गया, यहाँ पर एक चीज़ बता दें, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में कहते हैं उद्भवन काल, इनक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल। ये उद्भवन काल क्या होता है? उद्भवन काल का मतलब मच्छर के काटने के फलस्वरूप क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो जब मच्छर ने काटा तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचा, तो उसके पहुंचने के बाद मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने तक का जो समय होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, उसी को हम उद्भवन काल या इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट इज इनक्यूबेशन पीरियड? उद्भवन काल क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स युक्त मच्छर जब हमको काटता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया, उसके पहुंचने के बाद जितने दिनों के बाद मलेरिया के लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं, उसी समय को हम इनक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि मलेरिया जो रोग होता है वो कितने प्रकार का होता है। नंबर एक, ये बेनिन टर्सियन मलेरिया, बेनिन टर्सियन मलेरिया, ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। और इसमें क्या होता है, हर 48 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, हर 48 घंटे के बाद जाड़ा लग के बुखार आता है। तो इसमें ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, और इस मलेरिया को, जो इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है जो मलेरिया, उसको हम बेनिन टर्सियन मलेरिया कहते हैं, और इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन। 14 दिन का मतलब 14 दिन के बाद इसके पहुंचने के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के शरीर में पहुंचने के 14 दिन के बाद मलेरिया के लक्षण
दिखने लगते हैं। दूसरा होता है मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया। मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है, और इसे हम सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, 48 घंटे के बाद, हर 48 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, 48 घंटे के बाद। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कितना होता है? 12 दिन होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या होता है, ये सब सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं इसमें। ये क्या होता है, ब्लड वेसल जो होते हैं, रुधिर की नलिकाएं होती हैं, उनको क्लॉट कर देता है, उनको जमा देता है, जिससे रुधिर का प्रवाह बाधित हो जाता है, रुधिर का प्रवाह रुक जाता है शरीर में, और जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मैलिग्नेंट टर्सिनियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है, ये बहुत ही घातक होता है, इसमें रोगी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। इसको जल्दी से रोका नहीं जा सकता, अगर सही ढंग से ध्यान ना दिया गया तो इसमें मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट कर देता है, रुधिर की नलियों को जाम कर देता है। तीसरे प्रकार का होता है क्वार्टन मलेरिया। ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। इसमें हर 72 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, और क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है, हर 72 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है। इससे हम सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं, सब क्लिनिकल मलेरिया भी इसको कहा जाता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मच्छर इस प्लाज्मोडियम के हमारे शरीर में पहुंचने के बाद मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय कहलाता है क्वार्टन, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, या उद्भवन काल कहलाता है। चौथे प्रकार का मलेरिया क्या होता है, ये ओवेल मलेरिया। ओवेल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। और इसमें भी हर 48 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, हर 48 घंटे के बाद। तो इस प्रकार से, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। तो इस प्रकार से देखें, केवल क्वार्टन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है, इसमें हर 72 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, और बाकी सभी में हर 48 घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार होता है। और जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो बेनिन टर्सियन मलेरिया और ओवेल मलेरिया, इन दोनों का 14-14 दिन होता है। और जो मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया होता है, इसका इंक्यूबेशन 12 दिन होता है। और क्वार्टन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन होता है। तो इस प्रकार से ये मलेरिया जो रोग होता है, किसके द्वारा होता है, किसने बताया कि मलेरिया किससे होता है, और किस वैज्ञानिक ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और मलेरिया कैसा है, डबल होस्ट एनिमल या द्विपोषी जंतु। मलेरिया कितने प्रकार का होता है, और जितने प्रकार का होता है वो अलग अलग प्रकार का मलेरिया किस किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, अलग अलग प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और इनमें किस मलेरिया में कब जाड़ा लग करके, कितने घंटे के बाद जाड़ा लग करके बुखार आता है, और किस प्लाज्मोडियम का इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल कितना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और इसी के आगे
कल हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो हमारे शरीर में और मच्छर के शरीर में चलता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।